नैमिषारण्य में सोनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे। और वहां पर सूत जी महाराज ने एक प्रश्न किया, नैमिषे सूतमासीन अभिमाग महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलो सोन को ब्रवीत। कथा सुनने में कुशल श्रोता कौन? बोले कि सूत जी महाराज के जो हमेशा सुनाते, सूत जी महाराज और सोनकादिक ऋषि हमेशा सुनते। अब देखो बहुत से लोग कहते एक बार कथा सुन ली बहुत है, एक बार से बहुत कैसे हो सकता है? एक बार रोटी खा ली, शाम को खाने की जरूरत क्या है? खानी है दोबारा? बोले खिलाओ ना, चल चल के पैदल आ तो थक गए वैसे भी शमशान रोड से। आ रही महाराज तो आज तो वैसे भी भूत प्रेतों ने खा लिया होगा, हमारा पेट में बैठा हुआ है। तब बोले महाराज आज जल्दी छोड़ दो। जल्दी तो नहीं छोड़ना भाई, आस्था चैनल पे 2 बजे 3 बजे 6 बजे के 20 मिनट तक चलेगा, तब तक तो मैं और आप दोनों बैठे रहेंगे और हमको तो आपको 7 बजे तक बैठना है, ठीक है ना? किस किस को जाना है 6:30 बजे से पहले पहले, और किस किस को जब तक कथा होती रहे तब तक बैठे रहना है? क्या बात है, यही होना चाहिए। कथा की अवधि क्यों निश्चित की जाती है महाराज? ये अच्छी बात नहीं है। जब तक रस बरसता रहे तब तक कथा में आनंद आता रहे, तब तक कथा चलती रहे। बजे मत देखो, बजे तो चलते ही रहेंगे, ये बजे रुके हैं क्या जो अब रुक जाएंगे? सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव सूत जी महाराज आप बहुत ही अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है प्रभु, कृपा करके बताइए और कथा मत सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। सार क्यों? बोले कलयुग के लोगों पे वक्त नहीं है पूरा, कलयुग के जो लोग हैं उन पे समय नहीं है। तभी तो कहते हैं दूसरे दिन चलेंगे, कोई कहता है तीसरे दिन चलेंगे, कई लोग कहते हैं कृष्ण जन्म होगा तब चलेंगे, है ना? क्यों? बोले समय नहीं है, बिजी है। कोई कहता है मेरे घर में शादी है, कोई कहता है मेरे घर में इतना काम है, कोई ये काम है, कोई वो काम है। ये सारे छोटे छोटे काम जो तेरे बिना हो सकते हैं वो तुझे याद रहते हैं, लेकिन तुझे वो काम याद नहीं रहता जो तेरे बिना कभी नहीं हो सकता। वो शमशान याद रख, वो हमेशा तेरे बिना नहीं होगा, वो तो तेरे होने पर ही पूर्ण होगी यात्रा। और वो सत्कर्म जो सिर्फ तू करेगा तो तेरे काम आएगा, ये सत्कर्म कोई और करेगा तो ये काम नहीं आएगा, ये सत्कर्म तू करेगा तो तेरे काम आएगा, कोई और करेगा तो किसी और के काम आएगा। और अगर चाहते हो कि ये तुम्हारे काम आ जाए इसके लिए बहुत कंपलसरी है कि तू ये सत्कर्म कर। बोलो राधे राधे, है नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे हो। तो ये सत्कर्म जब तुम करोगे तो तुम्हें लगेगा, कोई और करेगा तो उसे लगेगा, ये याद रख। लेकिन फिर भी सोनकादिक ऋषि कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ कलयुग के लोगों पर समय नहीं है, इसलिए कृपा करके कथा का सार सुना दीजिए, ऐसा जिसे कम समय में सुनकर लोगों का कल्याण हो जाए। वो कहते हैं हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं, पंचम वेद निराला सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का निचोड़ है, शास्त्रों का निचोड़ है, पुराणों का निचोड़ है और पंचम वेद है, पांचवा वेद है, चार वेद हैं और ये पांचवा वेद है, भागवत पंचम वेद निराला है, इसलिए तो मैं भागवत सुनाता हूं। बोल ठीक है मुनि श्रेष्ठ सुनाइए, लेकिन एक बात बताइए महाराज, ये पहली बार हम पे ट्राई कर रहे हो कि किसी और पे भी कुछ असर हुआ है इस भागवत का? बोले हुआ है ना, क्या मिलता है इस भागवत से? बोले जो चाहिए सो, आप भी सुन लें, क्या मिलता है? बोले जो चाहिए सो। यहां बच्चे बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं। जवानों को धन चाहिए तो उन्हें धन मिलेगा, बच्चों को विद्या चाहिए तो उन्हें विद्या मिलेगी, और बूढ़ों को क्या चाहिए? अब बूढ़ों की मांग डिफरेंट होती है, कोई तो कहता है मेरा नाती ठीक ठाक रहे, कोई तो कहता है मेरे नाती की बहू अच्छी आ जाए, कोई तो कहता है मेरा बेटे का काम बिगड़ गया, कोई कहता है मेरी बच्ची पे बच्चे नहीं हो रहे। अब बताओ ये क्या है कि टेंशन लेती है, उसका भाग्य उसके साथ, तेरा भाग्य तेरे साथ। बुढ़ापे में आफ्टर 60 इयर्स या 65 इयर्स ओल्ड
आप और किसी के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचें, तभी आप सच्चे मानव हो सकते हैं अथवा नहीं। बुढ़ापे में भी मेरा 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 बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा, तेरा नहीं है, ये भगवान का है, जिसका है उसको तुझसे ज्यादा उसकी चिंता है, तू क्यों करता है चिंता उसकी? और तेरी चिंता करने से कुछ हुआ क्या? हो जाए तो कर ले। तूने चिंता की, तेरे बच्चे का काम ढीला होता ही गया। तूने चिंता की, तेरी बेटी के घर में संतान नहीं हुई। तूने चिंता की कि तेरे खुद का स्वास्थ्य ठीक रहे पर नहीं रही, क्योंकि तेरे हाथ में नहीं है। ये जिसके हाथ में है वो अपने आप संभाल लेगा, इसलिए उस पे छोड़, अपने आप पे मत छोड़ इसको। उसकी जिम्मेदारी ठाकुर की है, अपने गोविंद को उनके हाथों में सौंपने दे उसकी जिम्मेदारी, उसे करने दे उसका काम। तू मत कर उसका काम, तू सिर्फ अपना काम कर। अरे तुझसे अपना काम तो होता नहीं, उसका काम करने चला है। राधे राधे बोलना पड़ेगा सबको, जोर से बोलना पड़ेगा।